मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऐसी वीडियो देखने के लिए। शब्द और उनके वर्गीकरण, ठीक है, शब्द और उनके वर्गीकरण। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़े थे वर्ण। वर्ण ये क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। फिर आते हैं हमारे उसके बाद में वर्ण के, वर्ण में क्या क्या पढ़ा था हमने? स्वर और व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे शब्द। और शब्द क्या है? शब्द वह ध्वनि है जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिलकर बनती है। और स्वर का क्या मतलब है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अर्थ के आधार पर दो तरह के शब्दों का यूज करते हैं, अर्थपूर्ण शब्दों का और निरर्थक, ठीक है, निरर्थक शब्दों के। अर्थपूर्ण कौन से होते हैं? जैसे रोटी और वोटी। क्या होता है? रोटी और वोटी, ठीक है। अब ये तो अर्थपूर्ण है रोटी, लेकिन वोटी क्या है? ये अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर, यानी कि सार्थक और निरर्थक शब्दों का हम दोनों का ही यूज इसमें करते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ के आधार पर भी इसके जो है कुछ, अच्छा फिर मैं इसमें अभी बताऊंगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर कुछ जो है अलग टाइप भी हैं, उत्पत्ति के आधार पर अलग है, रचना के आधार पर अलग है, प्रयोग के आधार पर अलग है, ठीक है। लेकिन सही उसमें जो है चार प्रकार के होते हैं शब्द, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? अर्थ के आधार पर भी हम इन्हें जो है पांच प्रकार के शब्द ले सकते हैं, ठीक है। कितने? पांच प्रकार के, ठीक है। किसको? नंबर एक कौन सा हो जाएगा हमारा? नंबर एक हो जाएगा एक अर्थी शब्द। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, क्या होता है? एक ही अर्थ होता है, ठीक है। एक शब्द, बस एक अर्थ वाले। फिर नंबर दो पे आते हैं हमारे, एक अर्थी हो गया ना, अब हो गया हमारे अनेक अर्थी शब्द, अनेक अर्थी शब्द, ठीक है। एक अर्थी शब्द और अनेक अर्थी शब्द, एक अर्थ वाले और अनेक अर्थी शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है, जिनके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द, शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम कहने लगे कि कर और कर, क्या करने? कर। और कर का मतलब क्या होता है? हाथ और टैक्स, मतलब टैक्स, ठीक है, हाथ और टैक्स। ये दोनों कैसे, ये शब्द कैसा है? कर, जिसके जो है भिन्न भिन्न अर्थ है, अनेक अर्थ है इसके, ठीक है। फिर आता हमारे समरूपी, नंबर थर्ड पे आते हैं हमारे समरूपी, ठीक है। समरूपी शब्द कैसे? समरूपी कि सुनने में जो है एक जैसे लगते हो, एक जैसे लगते हो। और फिर आता हमारा नंबर फोर्थ पे कौन सा आता है हमारा? अनेक शब्दों
अनेक शब्दों के लिए लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोलते हैं, जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के जो है बहुत सारे जो है आपको देखने को मिलेंगे, अनेक अर्थ, यानी कि अनेक, एक वाक्य के लिए, एक वाक्य के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये वाला इसमें आएगा। फिर आता है नंबर पांच पे हमारा, नंबर पांच पे आते हैं हमारे पर्यायवाची। क्या आते हैं? नंबर पांच पे हमारे पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची आप जानते ही हो, मुझे इसे बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पर्यायवाची में भी यही है कि एक, जैसे हाथी के, कमल के, जलज पंकज, इस तरह से, ठीक है। सूर्य के, भानु, दिनाकर, दिवाकर, ये इस तरह से मतलब जैसे हमारे आते हैं पर्यायवाची में। फिर आते हैं नंबर छह पे हमारे विलोम शब्द, विलोम शब्द, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? उल्टे अर्थ वाले, उल्टे अर्थ वाले, या विपरीतार्थक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विपरीतार्थक शब्द, जैसे दिन रात, ऊपर नीचे, मोटा पतला, इस तरह से, ठीक है। तो ये अर्थपूर्ण वाले शब्द हो गए, यानी कि अर्थ के आधार पर ये वाले शब्द हो गए। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने प्रकार के होंगे। अब हम देखेंगे नंबर दो, उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दो उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे पांच प्रकार के वो बताए हैं। कौन कौन से? पांच प्रकार के, तत्सम, तत्सम, ठीक है। नंबर दो, तत्सम शब्द वो है जो संस्कृत भाषा से जो के तो इसमें ले लिए गए हैं, तत्सम भाषा से, संस्कृत भाषा से जो शब्द जो के तू हमारे हिंदी में ले लिए गए हैं, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। अच्छा, तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए कुछ जो है वो है, देखिए, अगर इसमें क्षत्रिय, ठीक है, कृषक, कृषक, ठीक है, अगर ये चार जो संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन है, ये हमारे जो है कौन कौन से? छह क्षत्रिय, तैतृशूल, ज्ञानी और सहसर्विक, अगर ये शब्द आते हैं तो वो जो है हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये शब्द आए तब तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर इस तरह की अब आते हैं दूसरे नंबर पर, तद्भव, कौन से? तद्भव। अगर देखिए इस तरह के आंख, और ये यहां पे चांद बिंदी आ जाए, ठीक है, ये चांद बिंदी वाले अगर वर्ण है तो वो तद्भव होंगे, ठीक है। और बहुत सारे हैं, जैसे लठिया, लठिया, लुटिया, ठीक है, बहुत सारे जो यानी कि हमारे लिपा पे, यानी कि जो संस्कृत भाषा से जो है विकसित होकर बने हैं, ठीक है, या यहीं पे हमारे जो है क्षेत्रीय भाषा के शब्द है, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, ठीक है। फिर नंबर तीन पर देखिए, नंबर तीन पर हमारे आते हैं देशज शब्द, कौन से? देशज, यानी कि जो हमारे क्षेत्रीय भाषा में यहीं पर बने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखवा दिए, ये क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। कौन कौन से? लुटिया, लाठी, ठीक है, ये वाले शब्द जो हमारे क्या देशज शब्द कहलाएंगे। फिर आते हैं हमारे मिश्रित, अच्छा, विदेशी शब्द, नंबर चार पर है हमारे विदेशी, विदेशी शब्द, यानी कि जो दूसरे देश के हैं, जैसे अरबी के, फारसी के, इनके वर्ड है वो हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं, ठीक है, या अंग्रेजी के वर्ड है। फिर आते हैं नंबर पांच पे हमारे, नंबर पांच पर हमारा क्या आएगा? मिश्रित,
मिश्रित या संकर, ठीक है, संकर शब्द ये ऐसे होते हैं जो दो भाषाओं को मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे मिश्रित शब्द कौन से होते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, यानी कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का जोड़ होता है। क्या होता है, दोनों का जोड़ होता है, हिंदी के शब्द भी होते हैं और जैसे हमारा पार्टी बाजी, क्या पार्टी बाजी, ठीक है, ये शब्द हमारा यहाँ का हो गया हिंदी का, और ये पार्टी जो है इंग्लिश का शब्द हो गया, ठीक है, किसका, अंग्रेजी का, ठीक है, ये बाजी शब्द यहीं का हो गया। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके उत्पत्ति के आधार पर कौन से तत्सम, इनको आपको याद करना पड़ेगा, बस मैं जो है शब्दों के प्रकार बता रहा हूँ। तद्भव जो जो है संस्कृत भाषा से यूं के तू जो है, मतलब संस्कृत भाषा से विकसित होकर बने हो, ठीक है। देशज शब्द जो अपने देश में पैदा हुए हो, जैसे जो है लठिया लुटिया, ठीक है, इस तरह के शब्द, या खाट, ठीक है, ये हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द जो हमारे फारसी अंग्रेजी के जू के तू हिंदी में ले लिए गए हैं, ठीक है, जैसे डॉक्टर, ये एक विदेशी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी का शब्द है। मिश्रित या संकर शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने हो, तो ये क्या कहना, उत्पत्ति के आधार पर हो गए, ठीक है। अब हम नंबर तीन पढ़ेंगे, ठीक है। और नंबर तीन मैंने आपको क्या लिखवाया था, नंबर तीन क्या लिखवाया था मैंने आपको, रचना के आधार पर, ठीक है, क्या लिखवाया था, रचना के आधार पर नंबर तीन, रचना के आधार पर, ठीक है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारे होते हैं तीन तरह के, रूढ़, ठीक है, फर्स्ट रूढ़, और नंबर सेकंड पे हमारे यौगिक, यौगिक, नंबर थर्ड पे हमारे योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ठीक है, कौन से, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब देखिए इनका क्या है, ठीक है, तो रूढ़ शब्द ऐसे हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सके, रूढ़ शब्द कैसे हैं, जिनके टुकड़े ना किए जा सकते हैं, जैसे जल जल, ठीक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है, जल जल ही रहेगा, ठीक है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और टुकड़े होने पर जो है उसका अर्थ होना चाहिए, तो इसके टुकड़े नहीं हो रहे। फिर आते हैं हमारे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द जैसे विद्यालय, ठीक है, विद्या प्लस आलय, ठीक है, हमारी संधि में भी जो है ना, जो संधि में शब्द प्रयोग होते हैं वो रूढ़ शब्दों की संधि कभी नहीं बनती है, जैसे कुर्सी है, बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है, तो हमारे रूढ़ शब्दों की संधि नहीं बनती, ध्यान रखना, रूढ़ शब्दों की संधि नहीं बनती है, ठीक है, उसमें किसका प्रयोग होता है, यौगिक शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, और योग रूढ़ का प्रयोग होता है, लेकिन हमारा बिल्कुल संधि में इसका प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो यौगिक शब्द समझ में, विद्या, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर, ठीक है, विद्यालय, ऐसे शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा प्लस उदर। अच्छा, इसमें देखिए लंबोदर का मतलब क्या है, कि लंबा है जिसका पेट, जिसका पेट लंबा है, अलग अलग बिल्कुल निकल रहा है अर्थ, बिल्कुल निकल रहा, दोनों का अर्थ निकल रहा, यानी कि ये यौगिक हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं कि विशेष अर्थ तो नहीं रखता, ये बिल्कुल रखता है। लंबोदर का मतलब था गणेश, गणेश जी, ठीक है, क्या होता है, गणेश जी। तो अब हमारा ये क्योंकि एक विशेष अर्थ रखता है, तो ये कैसा शब्द हो गया, योग रूढ़। जैसे कौन सा, चक्रधर, यानी कि चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, ठीक है, इस सब, इस तरह के शब्द किस में आएंगे, योग रूढ़ में आएंगे।
और यौगिक शब्द में बस दोनों का टूट रहे, दो या दो से अधिक उसमें टूट जाए और बस अर्थ निकल जाए, लेकिन कोई विशेष अर्थ ना होता हो उसे यौगिक बोलते हैं, जिसके कोई टुकड़ा ना हो उसे रूट शब्द बोलते हैं। तो आ गया समझ में, ठीक है चलो। अब नंबर चार है हमारा, नंबर चार, और नंबर चार मैंने आपको क्या लिखवाया था, नंबर चार लिखवाया था मैंने आपको प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर होते हैं दो तरह के, ठीक है, विकारी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ठीक है, अविकारी शब्द, ठीक है, जिनमें विकार उत्पन्न किया जा सकता हो, विकार पैदा हो जाता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, जिनमें कोई विकार पैदा ना किया जा सकते हैं, जिनके उसमें चेंजिंग ना होती हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, सही है। तो हमारे तो विकारी शब्दों में कौन कौन सकते हैं, हमारी संज्ञा, संज्ञा और विशेषण, ठीक है, संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, सर्वनाम, सर्वनाम और क्रिया, ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं, संज्ञा विशेषण सर्वनाम। देखिए संज्ञा में जैसे वह, तो वह का क्या हो जाएगा, वे, ठीक है, वह का वे हो जाएगा, ये का यह हो जाएगा, इस तरह से विकार उत्पन्न हो सकता है इसमें संज्ञा में, ठीक है, जैसे शहर शहरों, ठीक है, शहरों। फिर आता है हमारा विशेषण, ठीक है, मीठा, मीठा और मीठे हो सकता है, मीठे, क्या है, मीठे, मीठा मीठे, ठीक है, खट्टा खट्टे, काला काले, एक वचन और बहुवचन में अलग अलग यूज हो जाता है इसका, ठीक है, ऐसी सर्वनाम में, ठीक है, ये सर्वनामिक हो गया हमारे, और जैसे तू, तुम्हारा, तेरा, ठीक है, और वह, यानी कि ये वाले, ठीक है, ये क्या है, ये सर्वनाम है हमारे, वह, तुम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्रिया, क्रिया, वे जाता है, जाता, और बहुवचन क्या हो जाएगा, जाते, तो हो गया ना विकार पैदा, हो गया ना विकार पैदा, बदल गए, ठीक है, यानी कि जो शब्द चेंज किए जा सकते हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे विकारी शब्द, और संज्ञा विशेषण सर्वनाम और क्रिया, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब विकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, तो अविकारी शब्दों में देखिए हमारे होंगे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द जैसे तेज, अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ये तेज का तेजो नहीं हो सकता, तेजो चलो, तेज चलो, तेज चल भाई, और सारे मतलब अगर एक भी होगा जैसे राम तेज चल, ठीक है, फिर होगा अरे भाइयों तेज चलो, तेज ही आएगा, तेजो नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हमेशा एक वचन हो या बहुवचन हो उसमें यूज होता है, ठीक है, तेज, उधर, इधर, इस तरह सब, ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में जो है कभी भी विकार पैदा नहीं किया जा सकता, यानी कि अविकारी शब्द आएंगे, कौन सा, क्रिया विशेषण। फिर आता है आपका समुच्चय बोधक, क्या, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक कौन से शब्द कहलाते हैं, समुच्चय बोधक किंतु, किंतु और
या ठीक है इस तरह के शब्द, ये भी हमेशा जो है इनमें विकार पैदा नहीं किया जाता, चाहे एक वचन हो सेंटेंस, चाहे बहुवचन करता हो संज्ञा हो, ठीक है ये हमेशा एक वचन और बहुवचन में एक जैसे ही रहेंगे, तो ये समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। फिर होते हैं संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक में भी जो है कौन कौन से शब्द आते हैं, देखो हमारे के आगे, के आगे, के ऊपर, के नीचे, इस तरह के शब्द आते हैं, इनमें विकार पैदा नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे चलूंगा, तेरे आगे चलूंगा, ठीक है, तेरे यहाँ पे आगे, ठीक है, के आगे, तो के आगे, तो तेरे आगे चलूंगा या तुम्हारे आगे चलूंगा तब भी वही रहेगा, ठीक है, मतलब बहुवचन या मतलब एक अलग नहीं होने का ऐसे रहेगा। तो ये होते हैं संबंध बोधक जो संबंध दर्शाते हो, जैसे पुस्तक मेज के ऊपर है, पुस्तकें मेज के ऊपर है, फिर भी वही रहेगा, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, ठीक है। और नंबर चार पे आता हमारा विषम बोधक, विषम बोधक जिसमें ये वाले चिन्ह आते हो सेंटेंस में, ठीक है, इस तरह से सही है। तो इसमें क्या है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, जैसे अरे, ठीक है, अरे कितना खूबसूरत महल है, अरे कितना खूबसूरत फूल है, तो ये अरे एक वचन ही रहेगा, ठीक है। देखो अरे कितने खूबसूरत फूल है, बहुत सारे हैं, ठीक है, अरे कितना खूबसूरत फूल है, अरे तब भी यही रहेगा, तो ये क्या कहलाता है, विषम बोधक, ठीक है, जो आश्चर्य प्रकट करते हो, ठीक है, दुख शोक प्रकट करते हो, ये शब्द विषम बोधक शब्द कहलाते हैं, और इनमें कोई भी विकार पैदा नहीं किया जा सकता। क्रिया विशेषण हो, समुच्चय बोधक हो, संबंध बोधक हो, विषम बोधक हो, इनमें कभी भी विकार पैदा नहीं किया जा सकता, ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द मैंने आपको बता दिया, संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया, या फिर भी अगर आप देख सकते हो आप जिसमें विकार पैदा किया जा सकता हो विकारी शब्द, जिसमें जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सकता चाहे भोजन हो चाहे बहुवचन हो वह अविकारी शब्द। ये आपके शब्दों और उनका वर्गीकरण हो गया है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं और भी वीडियो आपके लिए ला सकूं, ठीक है। इसके बाद में आएंगे हमारे जो मैं कल क्लास लूंगा, हमारे क्या वाक्यों का वर्गीकरण, वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है। और वाक्यों का वर्गीकरण क्या, वाक्य क्या चीज है, ठीक है, ये भाषा, भाषा की सबसे क्या, सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है, क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, इससे बड़ी इकाई नहीं होती, ठीक है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी वर्ण है, क्या है, वर्ण सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी वाक्य है, ठीक है। लेकिन यह है क्या, दूसरे नंबर पे शब्दों, शब्दों का सार्थक समूह क्या बनाता है, वाक्य बनाता है, वाक्य, ठीक है, बनाता है, यानी कि वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सार्थक होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो हम जो है अगले उसमें क्या पढ़ेंगे, वाक्यों का वर्गीकरण, ठीक है।